सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। आपको कौन सा भाई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहिए? आज के टाइम पे आप लोगों को पता होगा जितनी भी बैंकें हैं ऑलमोस्ट भाई सब बैंकों ने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर दिया है, जीरो बैलेंस अकाउंट का फैसिलिटी देना चालू कर दिया है। लेकिन आज के टाइम पे भाई मार्केट में कौन सा बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट चल रहा है, हमें कौन से बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले, हमारा अकाउंट भाई फ्रीज ना किया जाए, हमारे अकाउंट को भाई ब्लॉक ना किया जाए, क्योंकि आज के टाइम पे भाई ज्यादातर बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर दे रही है। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कौन सा भाई बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट हमें ओपन करना चाहिए। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पे। सो हम आ चुके भाई अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को मैं भाई सिर्फ दो ही बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को भाई डाउट क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ भाई दो ही बैंक क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज ये जो बैंक है आज के टाइम पे भाई मार्केट में आप लोगों को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और आप लोग मार्केट में खुद भी रिसर्च कर लेना, किसी से भी पता कर लेना, कोई भी आप लोगों को भाई अगर सजेस्ट करेगा ना तो यही दो बैंक आप लोगों को सजेस्ट करेगा, क्योंकि इसका फिजिकल ब्रांच प्लस आप लोगों को ऑनलाइन फैसिलिटी दोनों प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप अपने रूल्स के हिसाब से यूज करते हो तो आप लोगों को कभी भी ब्रांच विजिट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं भाई इन दोनों बैंक को पर्सनली यूज भी कर रखा हूं और अभी इसमें से एक बैंक तो खासकर मैं यूज कर रहा हूं और आप लोगों को काफी ज्यादा मैं इंट्रोड्यूस कर रखा हूं इस बैंक से, काफी ज्यादा मैंने आप लोगों को फीचर्स बेनिफिट के बारे में बता रखा है। सो एनीवे हम आ चुके हैं भाई अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को भाई डाउट क्लियर कर दूं, मैं भाई फर्स्ट से आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एयू बैंक पे जा सकते हो, एयू बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट के ऊपर जा सकते हो। बेसिकली मैंने भाई इसमें आप लोग को अकाउंट ओपनिंग से लेके वीडियो केवाईसी तक फुल केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है, इसका भाई आप लोग को मोबाइल बैंकिंग कैसे कंप्लीट करना है पूरा आप लोग को डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो भाई वीडियो चेक नहीं किया सो डिस्क्रिप्शन जरूर भाई चेकआउट करना, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोग को फर्स्ट भाई ये क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि भाई इस बैंक का भाई ए प्लस सर्विस और प्लस सर्वर ये दोनों बेस्ट है और इसमें आप लोग को बहुत ही बेहतरीन फीचर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपके अकाउंट में नंबर अपडेट करना है, अगर आपके अकाउंट में कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भाई वीडियो सर्विस के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के आप लोग रिक्वेस्ट डलवा सकते हो और आपका वो प्रॉब्लम घर बैठे ही सॉल्व कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मैंने अभी हाल ही फिलहाल में अपना भाई इसमें मोबाइल नंबर चेंज करके आप लोगों को दिखाया था, जिसमें भाई मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2 घंटे के अंदर मेरा मोबाइल नंबर भाई इंस्टेंट चेंज कर दिया गया था। 2 घंटे के अंदर मेरा मोबाइल नंबर सक्सेसफुली भाई अपडेट कर दिया गया। मेरा पुराना नंबर भाई एक्चुअली नेटवर्क बहुत वीक हो रहा था, सो इस वजह से न्यू नंबर मैंने भाई इसमें ऐड किया और भाई सिर्फ 2 घंटे के अंदर नंबर अपडेट हो गया और वो भी घर बैठे वीडियो बैंकिंग के थ्रू। अब बात करें कि भाई इसमें हमें अगर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो हम भाई कैसे ओपन कर सकते हैं। सो देखो आप लोगों को मैं ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, आप चाहो तो भाई चेकआउट कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे देख लीजिए, मेरे को ऑलरेडी भाई डेबिट कार्ड रिसीव हुआ पड़ा है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एयू बैंक का रुपए का पल्टेनियम डेबिट कार्ड है, काफी बेस्ट इसका बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और इसमें आप लोगों को भाई ज्यादा यहाँ पे चार्जेस वगैरह देने का जरूरत नहीं है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को फुल एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा सो चेकआउट कर लेना। अब आप लोग यहाँ पे खुद देख लीजिए, अगर आप लोगों को खुद से अगर अकाउंट ओपन करना है बिना उस वीडियो को देखे ओपन करना चाहते हो सो यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो सेविंग अकाउंट पे क्लिक करने के बाद नीचे में यहाँ पे देख लीजिए BS BDS सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा, इस पर आप लोग को भाई क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका जीरो बैलेंस का जितना भी फैसिलिटी रहेगा यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, अदर इसमें आप लोगों को कोई दूसरा टेंशन देखने को नहीं मिलेगा। सो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को बताया जरा इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेगा। हाई आप लोगों को इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है और इसका भाई इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट ये है कि हर महीने आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस रहेगा उसका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड किया जाएगा, इसमें मंथली आप लोग को ऐड किया जाता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए अगर ब्रांच विजिट करना चाहते हो तो शाम को 6 PM तक आप विजिट कर सकते हो, 24/7 आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग प्लस इसका भाई कस्टमर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे देख लीजिए रुपए का यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा जो भाई मेरे को ऑलरेडी भाई ये रिसीव हुआ पड़े आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फ्री में पासबुक फैसिलिटी अभी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है इंडिविजुअल पर्सन के लिए, लेकिन भाई जब मैंने अकाउंट ओपन किया था तब भाई ये फीचर्स नहीं था, मेरे को भाई पासबुक नहीं मिला। सो मैं चाहूँ अप्लाई कर सकता हूँ बट मेरे को भाई कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। मंथली या आप लोग को हाफ ईयर मतलब महीने में यानी तो 6 महीने में आप लोग को ई स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा, ईमेल स्टेटमेंट
स्टेटमेंट और यहाँ पे फ्री कैश डिपॉजिट AU बैंक ऑल ब्रांचे देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को नो एवरेज बैलेंस, इसमें कोई भी बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें आप लोगों को हर एक फीचर्स दिया जाएगा, जैसे बिल पेमेंट, ईमेल स्टेटमेंट और आप लोगों को बहुत सारा फीचर्स मिल जाएगा आप इसका मोबाइल बैंकिंग जब चेकआउट करोगे तो। इसमें NFT, RTG, MPS फीचर्स दिया जाएगा। फ्री यहाँ पे आप लोगों को 4 ATM विड्रो यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है, किसी अनदर ब्रांच से आप भी कर सकते हो। और MPS वगैरह, फंड ट्रांसफर, इंटरनेट बैंकिंग सब फीचर्स देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें यहाँ पे देख लीजिए, एलिजिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को भाई क्या क्या एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे खुद रीड कर सकते हो। मैं भाई आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी जीरो बैलेंस अगर अकाउंट ढूंढ रहे हो, कोई भी आप लोगों को जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए, सो इस बैंक को आप ओपन कर सकते हो। इसका कोई भी ज्यादा चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसका फी एंड सर्विस का बात करें तो यहाँ पे फी एंड सर्विस पे हम क्लिक करेंगे ना, तो इसका जितना भी फी एंड सर्विस रहता है, चार्जेस रहता है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका कार्ड का चार्जेस क्या है, अगर इसका अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें चार्जेस लगेगा नहीं लगेगा। बेसिकली भाई मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ, इसमें कोई भी आप लोगों को ज्यादा चार्जेस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को अलग अलग अकाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है। सो सिंपल सा यहाँ पे आप लोगों को जितना भी अकाउंट रहेगा वो देखने को मिल जाएगा सेविंग अकाउंट का, तो इसमें से अपना भाई अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो। सो जैसे आप इसमें अपना अकाउंट सिलेक्ट करोगे, एक PDF डाउनलोड होएगा, उस PDF का ओपन करके आप भाई चेकआउट कर सकते हो। अब बात करें भाई सेकंड जो हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कोटक महिंद्रा का। बेसिकली भाई कोटक महिंद्रा आप लोगों को जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करता है, 811 डिजिटल बैंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को भाई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया जाता है, इंस्टेंट आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा विद आधार कार्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपका वीडियो बैंकिंग थ्रू अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे आपका ये अकाउंट ओपन होता है, आप लोगों को यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा, इंस्टेंट आप इसे यूज कर सकते हो। इसका मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग आप इजीली यूज कर पाओगे, अपने गूगल पे, फोन पे इजीली आप लोगों को एक्टिवेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस टाइम पे मैं भाई इसमें अपना अकाउंट ओपन किया था उस टाइम पे वीडियो बैंकिंग नहीं था, बट आज के टाइम पे इसमें वीडियो बैंकिंग का सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग जरूर भाई इसको ओपन कर लेना। इसमें इंटरेस्ट रेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया गया, नो मिनिमम बैलेंस यहां पे कोई भी आप लोगों को मेंटेन करके रखने का जरूरत नहीं है। बाकी यहां पे वर्चुअल आप लोगों को कार्ड यहां पे देखने को मिल जाएगा, किसी भी चार्ज का यहां पे आप लोगों को देने का जरूरत नहीं है, फ्री आप लोगों को कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। MPS, NFT, UPI वगैरह आप लोगों को पेमेंट देखने को मिल जाएगा, जिसका यहां पे विदाउट पेइंग एनी फी, मतलब कि अगर MPS, NFT या UPI यूज करते हो तो कोई भी आप लोगों को भाई चार्जेस देने का जरूरत नहीं है। ऑल फीचर्स यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और यहां पे कस्टमर का सपोर्ट आप लोगों को एनी टाइम देखने को मिल जाएगा। ऑल फीचर्स यहां पे जानना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके आप भाई चेकआउट कर सकते हो। सो अगर आप अपना बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट अगर ढूंढ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा यही दो बैंक जो आपको भाई पसंद आए ओपन कर सकते हो। बट सबसे पहले मैं सजेस्ट कर सकता हूं आपको AU बैंक। AU बैंक भाई जीरो बैलेंस अकाउंट में बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है। आप मार्केट में खुद भी रिसर्च कर सकते हो और पता कर सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, आप लोगों को कोई भी सजेस्ट करेगा आज के टाइम पे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट तो AU बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। बाकी अदर कोई भी भाई बैंक जीरो बैलेंस प्रोवाइड जो कर रहे हैं उसका चार्जेस हो रहा है या अदरवाइज प्रोवाइड ही नहीं कर रही है, उसमें आप लोगों को 500 रुपये या 150 रुपये या नहीं तो 2500, 5000, 10000, 25000 बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ सकता है। सो होप आप लोगों को जो मैंने डिटेल दिया सब कुछ आप लोगों को भाई डाउट क्लियर हो चुका है। और इन दोनों बैंक का अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, जरूर आप भाई उस वीडियो को देख लेना। सो वीडियो अगर पसंद आता है सो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।